नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की पहली चैप्टर से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। यानी आज के वीडियो में मैं आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि जो विदेशी व्यापार भारत का अंग्रेजों से आने से पहले पूरे विश्व में फैला हुआ था और पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध था, अंग्रेजों के आने के बाद उसका पतन किस प्रकार किया गया और अंग्रेजों ने विदेशी व्यापार पे कैसे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया, इस चीज को मैं आज आपको बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक पे से पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आप उसका आंसर 100% देखे आएंगे, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं और कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा भी, तीसरा भी। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे विदेशी व्यापार के बारे में जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था। तो चलिए वन बाय वन इंपॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप ये बात जानते हैं कि प्राचीन काल से ही जो विदेशी व्यापार था भारत में, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भारत को ऊंचा स्थान प्राप्त था। यानी लोहे की बनी हुई वस्तुएं, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं, कपड़ा, धान, इन सब के निर्यात के लिए भारत को पूरे विश्व में जाना जाता था और खासकर रंगीन पत्थरों के निर्यात के लिए, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रंगीन पत्थर मिलते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात दोस्तों, किंतु भारत में जैसे ही ब्रिटिश शासन का आरंभ हुआ, जैसे ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया, ब्रिटिश सरकार की यहाँ पे स्थापना हुई, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर 1857 के बाद इंग्लैंड की रानी का यहाँ पे राज हो गया था। तो उन दोनों ने पूरी तरीके से जो पूरे विश्व में फैला हुआ था हमारा विदेशी व्यापार, उसको तहस नहस कर दिया, यानी लगभग खत्म ही कर दिया। दोस्तों, तीसरे पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पे आप ये समझिए कि जब भारत में ब्रिटिश सरकार मतलब शासन नहीं था, तो उससे पहले भारत किन किन वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करता था, जिसमें से है बारीक कपास, रेशमी कपड़ा, लोहे की बनी वस्तुएं, लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत का काम और मूल्यवान रत्न। इन सभी चीजों का पूरे विश्व में चाइना के साथ, जापान के साथ, यूरोप के कई देशों के साथ, पूरे विश्व में भारत क्या करता था, निर्यात करता था और भारत के लोग बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भी कमाते थे। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस वजह से अंग्रेज भी समुद्री मार्ग से उस सोने की चिड़िया के पर काटने के लिए आए थे। दोस्तों, आप इस बात को समझिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें आप ये देखिए, जैसे ही ब्रिटिश शासन आया, तो ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार यहाँ पे क्यों आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, यहाँ से कच्चा माल लेने, कच्चा माल लेके जाती थी, अपने वहां बनाती थी और बने हुए माल को यहाँ पे बेचती थी, यानी उपनिवेशिक शोषण करने आई थी ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को कच्चे माल का विशुद्ध निर्यातक, यानी यहां से कच्चा माल ले जाते थे, विशुद्ध निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बना के छोड़ दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात, यहां से कच्चा माल लेके जाते थे, अपने वहां बनाते थे, बनी हुई चीजों को यहीं पे लाते थे और यहीं पे बेचा करते थे। अब भारत केवल
केवल निर्यात करता था कच्चे माल का और आयात करता था औद्योगिक वस्तुओं का यानी बनी हुई वस्तुओं का। अब भारत का ना तो जापान के साथ कोई व्यापार था, ना चाइना के साथ व्यापार था और किसी भी देश के साथ कोई व्यापार नहीं था दोस्तों, क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन नहीं चाहता था कि भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका विकास हो, उसको तरक्की हो। अगर उसको तरक्की होगी तो नेचुरल सी बात है कि जो ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं हैं उनकी मांग नहीं बढ़ेगी बाजार में। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसा ब्रिटिश सरकार की विभेद मूलक व्यापार नीति और टटकर नीति के कारण लागू हुआ। आपको मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने आपको उद्योगीकरण आपको समझाया था, उद्योगीकरण क्षेत्र की स्थिति को समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहां से जो ब्रिटेन कच्चा माल लेके जाती थी उस पर किसी प्रकार का निर्यात शुल्क नहीं लगाती थी, वहां से बना हुआ माल लेके आती थी उस पर भी किसी प्रकार का वो टैक्स नहीं लगाती थी, परंतु जो हस्तशिल्प उद्योग में बनी हुई वस्तुओं का अगर कोई निर्यात करता था तो उस पर बहुत बड़ी मात्रा पे, बहुत भारी मात्रा में क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, जिससे दोस्तों हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया। और भारत का जो विदेशी व्यापार था जो पूरे विश्व में फैला हुआ था वो अब सिमट कर केवल भारत और इंग्लैंड के बीच तक ही सीमित रह गया था। तो ये जो विभेद मूलक नीति थी, भेद पूर्ण नीति थी, उसके वजह से भी हमारा जो पूरे विश्व में फैला हुआ विदेशी व्यापार था उसका पतन हो गया दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पहले भारत का विदेशी व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ था, ये बात मैंने आपको बता दी। भारत चाइना से भी व्यापार करता था, जापान से भी करता था, यूरोप के कई सारे देशों से करता था, अमेरिका से करता था, ऑस्ट्रेलिया से करता था, बट अब भारत केवल और केवल ब्रिटेन के साथ ही विदेशी व्यापार करता था, क्योंकि ब्रिटेन सरकार का यहाँ पे क्या हो गया था दोस्तों, राज हो गया था। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, परंतु अब केवल भारत और ब्रिटेन के बीच ही सीमित हो गया, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के विदेशी व्यापार पर अपना क्या कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था। अब उसका जो विदेशी व्यापार होता था वो सारा का सारा ब्रिटेन के साथ होता था, अब वो बाकी किसी भी देश के साथ विदेशी व्यापार नहीं करता था। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आई इस टॉपिक में कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत से निर्यात होती थी वो प्राथमिक उत्पाद होते थे। क्या होते थे? प्राथमिक उत्पाद। अभी प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं तो बहुत ही सिंपल, देखिए दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, जैसे कपास हो गया, गेहूं हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, जो भी प्रकृति से हमें मिलते हैं, जो कच्चा माल होती है जो प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है, उन्हें हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। और ब्रिटिश शासन के दौरान क्या होता था दोस्तों, इसी कच्चे माल को वो कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और ब्रिटेन में वो क्या करते थे, इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे, जो कि उनके लिए एक तरीके से आगत यानी इनपुट का कार्य करते थे दोस्तों। बहुत बड़ी मात्रा में यहां से कच्चे माल को समुद्री मार्ग के माध्यम से लेके जाया जाता था ब्रिटेन और वहां पे वस्तुओं को बनाया जाता था। यानी अगर आप ये देखें कि कच्चे माल की प्राप्ति वो पूरी तरीके से निर्भर किस पे थे, भारत पर निर्भर थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उधर ब्रिटेन में आयातिक निर्मित पदार्थों की बिक्री के लिए भारत एक विशाल बाजार था। यही तो पॉलिसी थी, ब्रिटेन यहाँ पे क्या करने आया था, व्यापार करने आया था, यहाँ से कच्चा माल लेके जाता था, अपने वहां पे उद्योग धंधों पे वस्तुओं को बनाता था और बनी हुई वस्तुओं को समुद्री मार्ग से लाकर पूरे भारत के बाजारों में क्या करता था, कॉम्पिटिशन यानी उपलब्ध कराता था, और भारत में बनी हुई हस्तशिल्प की वस्तुओं से उसकी प्रतियोगिता कराता था और बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाता था दोस्तों। ब्रिटेन ने भारत को बहुत बड़े मार्जिन में लूटा, 190 साल तक लूटा और अरबों खरबों रुपए पता नहीं कितना पैसा यहां से कमाया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आश्चर्य की बात तो ये थी कि भारत का जो विदेशी व्यापार था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे आप कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं, और भुगतान शेष में एक होता है व्यापार शेष। व्यापार शेष का मतलब होता है वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात,
ये होता है। ये सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी कि भारत का जो बीओपी था यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमेशा पॉजिटिव रहता था, यानी सरप्लस दिखाता था, सरप्लस दिखाता था। बट आपको तो ये लगेगा यार भारत तो एक गुलाम देश है तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकता है, सरप्लस कैसे दिखा सकता है, अधिके कैसे दिखा सकता है? क्योंकि दोस्तों यहां से वो क्या करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल को लेके जाते थे जिसकी वजह से भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमेशा सरप्लस में रहता था। बट वो जो सरप्लस था ना वो प्राथमिक उत्पाद का था, कच्चे माल का था, ना कि औद्योगिक वस्तुओं का, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिख के दिया है, जिसका आशय है कि व्यापार शेष का अधिक यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस होना। इसका मतलब तो ये है ना कि भारत एक विकसित देश है क्योंकि वो निर्यात ज्यादा करता है जबकि आयात वो कम करता है, परंतु दोस्तों वो निर्यात करता था कच्चा माल और आयात करता था निर्मित माल जो कि केवल ब्रिटेन से ही आता था। और एक बहुत ही बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हो, किंतु इस अधिकय का कारण था बड़े पैमाने पर प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करना जो कि कच्चा माल होता है दोस्तों, ना कि औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करना जो कि बनी हुई वस्तुएं होती है। जैसे अगर आप कपास की बात करते हो तो वो प्राथमिक वस्तु है क्योंकि वो कच्चा है, और कपास से अगर हम कपड़ा बना ले, टी शर्ट बना ले, तो वो हमारा क्या होती है, औद्योगिक वस्तु होती है। तो दोस्तों ये जो सरप्लस था ना ये प्राथमिक वस्तुओं का था ना कि औद्योगिक वस्तुओं का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और भी इससे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ही नुकसानदेह बात थी। अब ये जो प्राथमिक वस्तुएं थी, जो कच्चा माल था, ये इतनी बड़ी मात्रा में ब्रिटेन में पहुंचा देते थे समुद्री मार्ग से कि भारत की औद्योगिक क्षेत्र में जो भारत के घरेलू क्षेत्र था ना उसमें इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती थी। यानी सारा का सारा कपास वहां ले जाते थे, फल फ्रूट सब्जियां ले जाते थे, धान ले जाते थे, तो यहाँ के जो उद्योग पति थे या उद्यमी थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था। ये बात समझिए कितनी बुरी बात थी, क्योंकि हमारे देश का ही रॉ मटेरियल हमारे देश के निवासियों को नहीं मिल रहा जबकि ब्रिटेन बाहर से आ रखा है और वो हमारा सारा कच्चा माल अपने देश में ले जाके वहां पे वस्तु बनाते हैं और हमसे दुगनी कीमत वसूलते हैं। तो कितनी बुरी बात थी ये आप सोच के देखिए इस बात को। नेक्स्ट देखिए कि भारत के विदेशी व्यापार से जो अधिकय होता था ना वो ब्रिटिश शासन कभी भी भारतीय लोगों पर खर्च नहीं करते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नहीं करते थे। वो दो चीजों के लिए अपने पैसे को, इस सरप्लस जो पैसा वो कमाते थे यहां से व्यापार करके, वो दो चीजों पे खर्च करते थे। पहली चीज वो क्या है, सबसे पहली चीज है प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में किया जाता था। यानी दोस्तों जो ब्रिटेन सरकार यहाँ पे चल रही थी उस पे जो भी खर्चा आता था उसके संचालन के लिए यानी प्रशासन के लिए, और जो भी सरकार यहाँ पे चल रही थी उस पे जितना भी खर्चा आता था, जो भी उसके वायसराय होते थे, जनरल्स होते थे, जो भी लोग होते थे जो इस ब्रिटेन की सरकार को चला रहे थे, उनको पूरा करने, उनको सैलरी देने में, उस खर्चे को पूरा करने में किया जाता था। और दूसरा दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों में क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। उनकी क्या थी, विस्तारवादी नीति थी, वो चाहते थे कि ब्रिटेन का एरिया बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए वो दूसरे देशों के साथ क्या करते रहते थे, निरंतर युद्ध लड़ते रहते थे। अब युद्ध में क्या होता है दोस्तों, पैसा खर्च होता है, और वो पैसा कहां से कमाते थे, भारत से कमाते थे। यानी वो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष से जितना भी पैसा कमाते थे वो दो चीजों पे खर्च करते थे, पहला भारत में अपनी सरकार के खर्चों को उठाने में, और दूसरा जो भी युद्ध लड़ते थे, भले वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, उसमें जो भी खर्चा होता था उस खर्चे को पूरा करने के लिए भी ब्रिटेन इस सरप्लस को वो यूज करती थी। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट बात दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश के भावी विकास के लिए यानी आने वाले समय के लिए निवेश के रूप में कभी भी इसका उपभोग नहीं किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में मैं आपको डेमोग्राफी के बारे में बताऊंगा, जब भारत को सन 1947 में आजादी मिली तब भारत की
शिशु मृत्यु दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी, जीवन अवधि क्या थी, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।